हे गाइस, और एक कमाल के वीडियो में आपका स्वागत करता है। फाइनली पोको ने लॉन्च कर चुका है पोको F3 GT को इंडिया में, एंड भाई इसका जो प्राइसिंग है बहुत ही दमदार प्राइसिंग के साथ ये आ रहा है। अगर भाई इस फोन को आप लेने के लिए मन बना लिए तो भाई लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको डिटेल्स में बताने वालों इसमें आपको क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, कुछ कमियां भी इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर भाई आप गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो तो भाई कुछ कमियां तो इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो थोड़ा आपको बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है। तो भाई लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, हो सके तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। और एक बात भाई, आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो उसको भाई बहुत दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। तो भाई ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखे मेरे चैनल पे, एंड और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूंगा। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की बिल्ड और डिजाइन के लेके। डिजाइन तो भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे गेमिंग लुक्स वाला डिजाइन इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा ये डिजाइन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड भाई बात करेंगे इसकी बिल्ड, तो भाई ये एक ग्लास बैक एंड फ्रंट पे आपको दोनों साइड में ग्लास मिल जाएंगे। गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो भाई बहुत ज्यादा प्रीमियमनेस आपको फील कराने वाला है। एंड भाई एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो भाई गेमिंग को ज्यादा फोकस रखा है इस फोन में, तो इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 सीरीज की चिपसेट जो एक 5G चिपसेट के साथ आते हैं, जो बहुत ही बढ़िया आपको गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के दे सकता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, अब हार्डकोर गेमर हो, तो भाई इस फोन को आप जरूर से परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो भाई बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले लगाया गया इस फोन में। 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस टर्बो एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये आता है, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेंगे, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएंगे जो भाई गेमिंग में बहुत ज्यादा टच रिस्पॉन्सिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है इस फोन में। जैसे मैंने पहले बोला गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको दोनों साइड में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई डिस्प्ले तो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले इस बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पोको के F3 GT में। एंड बात करेंगे इस फोन की कैमरा, तो पीछे आपको टोटल 3 कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, 64 मेगापिक्सल का मेन, 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं जो भाई एवरेज सा फोटोज आपको क्लिक करके दे सकता है। एक्चुअली भाई इधर जो कैमरा में फोकस उतना ज्यादा नहीं किया गया है क्योंकि एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, तो वही इसमें ज़्यादातर आपको डिस्प्ले एंड प्रोसेसर के ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया है, तो वही उस हिसाब से कैमरा का क्वालिटी उतना बुरा भी नहीं होने वाला है, उतना अच्छा भी नहीं होने वाला है। आपको ओके ओके सा डिस्प्ले, मतलब सॉरी डिस्प्ले नहीं, कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और भाई बात करेंगे इस फोन की बैटरी के बारे में, तो भाई 5065 mAh की बैटरी इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ में 67 W का एक सोनिक चार्जर देखने के लिए मिल जाते हैं बॉक्स में जो भाई बहुत ही जल्दी आपकी बैटरी को चार्ज करने वाला है। इधर भाई पोको दावा करते हैं कि भाई जस्ट 15 मिनट्स में आपका 50% चार्ज आराम से ये कंप्लीट कर सकता है, तो वही बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को आप चार्ज कर पाएंगे। टाइप सी का पोर्ट है बट आपको इधर सैडली 3.5 mm हेडफोन जैक देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो सबसे बड़ा दिक्कत वाला, सबसे डाउनग्रेडेड साइड इधर हो जाता है गेमर के लिए। तो भाई 3.5 mm हेडफोन जैक अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो भाई आपको सी टाइप कनेक्टर लेने होंगे, फिर जाके आप 3.5 mm हेडफोन जैक को अटैच कर पाएंगे। और भाई इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिल जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स, MIUI 12.5 पे रन करेंगे, डेडिकेटेड गेमिंग टीगर्स भी दे रखा है। अगर आप पबजी तो नहीं है इंडिया में, BGMI अगर आप खेलना चाहते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया से इस टीगर के साथ खेल सकते हो आराम से, ठीक है मजे लेके। एंड स्टोरेज स्पीकर मिलेंगे आपको दोनों साइड में, स्पीकर मिल जाएंगे, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आता है जो बहुत ही ज्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करने वाला है। और भाई इस फोन में आपको IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर आपके फोन में धूल मिट्टी या कुछ पानी का छींटे भी पड़ जाते तो कुछ नहीं होने वाला है फोन का, ठीक है। तो भाई बहुत ही बढ़िया फोन निकल के आ रहा है पोको की तरफ से इस बार। एंड भाई इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और भाई इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेंगे जो मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो चुका है, जिसको भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट अच्छा नहीं लगता है, इन डिस्प्ले अच्छा लगता है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो चुका है इधर। एंड जस्ट इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो थोड़ा बहुत मतलब 30,000 के अंदर में ये फोन आते हैं, तो भाई इसका जो सेल्फी कैमरा है 32 MP का होना चाहिए था, इसी प्राइस पॉइंट पे आपको 32 MP का कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, तो भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंट इधर किया गया है पोको की तरफ से। तो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग को लेके, जो बहुत ही अच्छा प्राइसिंग के साथ आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB, ठीक है। और भाई इसका प्री ऑर्डर चालू होने वाला है 24 जुलाई से, एंड इसका सेल स्टार्ट होने वाला है 26
जुलाई से। अगर आप भाई 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में इस फोन को लेते हो 6GB 128GB वाला वेरियंट, तो आपको जस्ट 25,999 मतलब 26,000 पे करने पड़ेंगे। अगर भाई 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में लेते हो तो इसका प्राइसिंग आ जाता है 26,499 रुपीज। तो भाई इसका प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है 500। इसको अगर आप 9 अगस्त के बाद लेते हो तो इसका प्राइसिंग आपको 27,000 पे करने पड़ेंगे। तो भाई जितने जल्दी हो सके इस फोन को आप परचेस कर सकते हो, मतलब फास्ट सेल पे, मेरे हिसाब से फर्स्ट सेल पे इसको लेना बहुत ही समझदारी की काम होने वाला है। एंड भाई इसमें आपको और 1000 डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। क्यों भाई? बिग सेविंग डे सेल आ रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उसमें आपको ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 1000 डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका प्राइसिंग आ जाता है 25,000 में। ये आपको बहुत ही अच्छा एक डील मिल रहा है जो आपको ज़रूर से ग्रैब करना चाहिए अगर आप इस फ़ोन को लेने वाले हो तो। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेल पे लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो भाई प्राइसिंग बहुत ही हटके रखा है, आपको कैसा लगा इसका प्राइसिंग आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। मैंने कुछ कमियां मिलता है उसके बारे में बात किया, एंड वाइज में आपको क्या क्या अच्छा मिलता है उसके बारे में बात किया। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो इस फ़ोन को आप आँखें बंद करके फर्स्ट सेल पे ले सकते हो। तो भाई वीडियो इतना ही था, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट्स करके बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो भाई मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।